भले से वसई की विधानसभा सीट पर अब तक हितेंद्र ठाकुर ने बोलबाला किया हो, लेकिन यह जो नज़ारा है यह शायद ही आने वाले समय में उनके बोलबालों को मिटा सकता है। और यह नज़ारा है उस केंद्र की ताकत का, यह नज़ारा है उस केंद्र की सरकार का, यह नज़ारा है उस भारतीय जनता पार्टी का जिसने केंद्र से लेकर गली गली तक अपनी पहचान अपने विकास कामों के जरिए पहुंचाई है। वसई तालुका में अब तक ऐसी रैली सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी यानी बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा निकाली जाती थी, लेकिन अब जनता का काया पलट किसी और रुख मोड़ रहा है और वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ दर्शा रहा है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें वसई विधानसभा 133 के उम्मीदवार स्नेहा दुबे पंडित के नामांकन की है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में हुजूम उमड़ पड़ा है सिर्फ यह दिखाने के लिए कि अब इस सीट का हकदार कोई और होगा। यह शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें वसई इलाके की है, जहां पर वसई विधानसभा के लिए स्नेहा दुबे पंडित अपना नामांकन भरने कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों सहित मैदान में उतर चुकी हैं। इस पूरे विषय पर तथा चुनावी माहौल को लेकर सुनिए स्नेहा दुबे ने क्या कुछ कहा तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज बारट ने क्या कुछ जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं महायुति की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये उम्मीदवारी दी है। और हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है। जो विकास 30 साल में इस वसई का नहीं हो पाया वो महायुति की सरकार में हम करेंगे और वसई का परिवर्तन हम करके रहेंगे। मैडम, आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? यहाँ अभी बहुपक्षीय लड़ाई है, आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा? ऐसा हम मुख्य मुकाबला किससे होगा ये जनता तय करेगी और हम जीतेंगे, इतना मैं आश्वासित करती। भारतीय जनता पार्टी में 2014 में जब से मोदी सरकार आई तब से उन्होंने महिला और युवा ये दोनों को सशक्तिकरण करने का उन्होंने जो निर्धार किया था, आज उसके उदाहरण स्वरूप आज वसई से हमारी एक महिला बहन को उम्मीदवारी दी है। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की वसई पूरे तालुका की जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है। 35 साल की सत्ता से यहाँ की जनता त्रस्त है और ये हमारे दोनों उम्मीदवार, दोनों नहीं तीनों, मतलब बोईसर से भी हमारा उम्मीदवार चुन के आएगा। आपको 23 नवंबर को यहाँ पे भगवा लहरा हुआ दिखेगा पूरे वसई तालुका।